I'm Poppy. Welcome to Poppy's World. कुछ सालों पहले पॉपी नामी एक यूट्यूब चैनल काफी मशहूर हुआ, जिसकी शोहरत की वजह वो बेमकसद की वीडियोस थी जो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये चैनल क्या था और इसे किस मकसद के लिए बनाया गया और इस चैनल की बेमकसद वीडियोस का मतलब क्या है, चलें शैतान की बेटी पॉपी की असलियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो 10 मिनट तवील है, जिसमें सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रही है। अब बार बार ये एक ही फिक्रा दोहराने का मकसद क्या हो सकता है? कई लोग इस वीडियो को एक फजूल वीडियो समझते हैं, लेकिन असल में इस वीडियो के पीछे एक खास मकसद है। इसी वीडियो की तरह इस चैनल की हर वीडियो एक बेमकसद वीडियो नजर आती है, लेकिन बहुत कम लोग ही इन वीडियोस में मौजूद वो पैगाम समझ पाते हैं जो असल में इस चैनल में मौजूद वीडियोस का असल मकसद है। ये वो पैगाम हैं जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने सुने और देखे, जिनमें बार बार मुख्तलिफ पैगाम लोगों के लाशऊर में डालने की कोशिश की गई। इसी चैनल का एक सॉन्ग आई एम पॉपी है, जिसे आप सुने और समझें कि असल में एक बेजरर नजर आने वाली वीडियो में कितनी खतरनाक बातें की गई हैं। बंद कर दें और अब इस सॉन्ग को रिवर्स में सुनें। रिवर्स में सुनने के बाद जो मैसेजेस सुनने को मिले वो ये हैं, मेरी पैरवी करो वरना मारे जाओगे, मुझे बचाओ शैतान को आका मानो। ये मैसेज आसानी से सुना और समझा जा सकता है और इसमें कोई शक नहीं कि इस मैसेज के पीछे बड़ा मकसद क्या है। ये मैसेज असल में इस तरह है कि मेरे साइड पर रहो वरना मारे जाओगे, शैतान हमारा मददगार है। ये मैसेज यकीनी तौर पर एक खतरनाक मैसेज है, क्योंकि इसमें एक इंसान की जिंदगी और उसके ईमान को खत्म करने की धमकी दी गई है। इस वीडियो में हम पॉपी को एक मासूम चेहरे के तौर पर देखते हैं, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे असल मकसद क्या है? I'm Poppy. Welcome to Poppy's World. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुरानी वाली पॉपी की जगह एक नई पॉपी ने ले ली है, यानी एक नया चेंज आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग एक नया दुनियावी निजाम लाना चाहते हैं, जिसमें इनके पुराने फैसलों को एक नए अंदाज से लागू करके दुनिया में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाई जा सके। अब इस वीडियो को देखें, जिसका नाम है गॉड इज रियल। इस वीडियो में पॉपी खुशी, अच्छी और खूबसूरत चीजों की बात कर रही है, जैसे कि इस वीडियो में पॉपी को एक फरिश्ता दिखाने की कोशिश की गई हो, जिसका काम लोगों को अच्छाई की दावत देना होता है। इस वीडियो के आखिर में पॉपी कहती है कि गॉड इज रियल, लेकिन गौर से सुने तो आपको समझ आएगा कि असल में पॉपी यहाँ गॉड की बात नहीं कर रही, बल्कि इसराइल की बात कर रही है। हम ये बात जानते हैं कि यहूदी अपने अलावा दुनिया के तमाम लोगों को गुलाम समझते हैं, और यहूदियों का मानना है कि वो दुनिया की अफजल तरीन कौम है। अब इन जैसी वीडियोस का असल मकसद वाजे है, जो हकीकत में इस तरह बनता है कि गॉड इज़राइल। अब इस चैनल की एक और वीडियो की बात करते हैं, जिसका टाइटल है 3:36। इस वीडियो में पॉपी अपनी घड़ी में देखती है और खास तौर पर 3:36 का इंतजार करती है। इसी तरह एक और वीडियो में पॉपी इंजील के कुछ सफात को पढ़ती नजर आती है।
अब दिलचस्प बात यह है कि इंजील की आयत 3:36 में ये लिखा हुआ है कि जो खुदा के बेटे पर यकीन रखता है उसके लिए हमेशा की जिंदगी है, लेकिन जो खुदा के बेटे से इनकारी है उसके लिए कोई जिंदगी नहीं। अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉपी अपनी घड़ी में 3:36 का इंतज़ार क्यों करती है। इसी तरह अगर आप पॉपी की वेबसाइट पर जाएं और उस जगह क्लिक करें जहां टूर लिखा है, तो वहां आपको एक और दिलचस्प मैसेज नज़र आएगा जहां लिखा है कि पॉपी बहुत जल्द हर जगह नज़र आने वाली है। इस मैसेज का मतलब इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि जब आप इस वेबसाइट के मेन पेज पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये मैसेज नज़र आएगा। ये एक पिरामिड की तस्वीर है जिसके नीचे लिखा हुआ है कि पॉपी हर चीज़ से बाखबर है। सिर्फ ये ही नहीं, क्योंकि अब जो बातें आप जानेंगे तो वो बातें यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। इस वीडियो को देखकर आप यही समझ रहे होंगे कि इसमें पॉपी डोरिटोस चिप्स और मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक की तशहीर करती नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आपने मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक पर मौजूद 3 लाइन्स को देखा होगा, जिन लाइन्स का असल में एक ख़ास मतलब है। जब हम हिब्रू हरूफ को देखते हैं तो उसमें हमें नंबर 6 का हर्फ इसी तरह नज़र आता है जो मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक पर बना है, जो एक साथ बनाए गए हैं, यानी जिसके मिलाने से बनता है 666। अब उन शेप्स को देखें जो वो डोरिटोस से बनाती हैं। डोरिटोस पैकेट पर और पॉपी ने जो शेप पकड़ी है वो दोनों एक आंख को जाहिर कर रहे हैं, और इस वीडियो में बार बार डोरिटोस और मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक दोहराने का मकसद अब आपको समझ आ चुका होगा, जो असल में लाशऊर में फिट करने वाला एक ख़तरनाक मैसेज है। एक और जगह पॉपी की अंगूठी नज़र आती है जो एक पिरामिड की शक्ल की होती है और जिसके टॉप पर हर्फ पी बना होता है जो पॉपी के नाम को शो करता है। ये पिरामिड की तस्वीर मशहूर शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी की नुमाइंदगी करती है, जिस पिरामिड के टॉप पर एक आंख बनी होती है, और ये एक आंख शैतान की है जिसे इल्यूमिनाटी अपना खुदा मानती है। अब इस तस्वीर में देखें जिसमें पॉपी एक जगह बैठी होती है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा पिरामिड बना होता है, और उस पिरामिड के टॉप पर एक आंख की जगह एक दिल बना होता है। इसमें ये लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये लोग अच्छाई की तरफ हैं, और जिस आंख को लोग बुराई की आंख समझते हैं असल में वो अच्छाई की अलामत है। लेकिन इनकी अच्छाई का पोल उस वक्त खुल जाता है जब हम इस तस्वीर में पॉपी के हाथों को देखते हैं, जिसमें वो कुछ अजीबोगरीब शैतानी इशारे करते नज़र आती है, और जिसके दोनों तरफ कुछ जानवर और इंसान उसकी अतात करते नज़र आते हैं, लेकिन असल में वो एक चीज़ की अतात कर रहे होते हैं और वो शैतान होता है। पॉपी की तमाम वीडियोस को देखकर यही लगता है कि ये तो बिल्कुल मासूम है, लेकिन असल में ऐसा नहीं, क्योंकि इसी मासूमियत की आड़ में वो ऐसे पैगामात हमें देती है जो हमारे लाशऊर में आसानी से फिट हो सके और जो हमारी सोच को एक अल्लाह की तरफ शक में मुब्तला कर सके। और इन वीडियोस में पॉपी को इतना मासूम दिखाया गया है कि जो भी इसे देखे तो वो उसकी हर बात पर यकीन कर सके और लोग ये मानने पर मजबूर हो जाए कि इतना मासूम चेहरा कभी कोई गलत बात कर ही नहीं सकता, इसलिए ये जो बोल रही है बिल्कुल सच है। इल्यूमिनाटी तंजीम की फरमाबरदार सेलिब्रिटीज़, जिसे ये तंजीम शोहरत और दौलत से नवाजती है, ये भी शैतान की परस्तिश का दर्स अपनी म्यूज़िक वीडियोस और फिल्मों में अलामतों के ज़रिए करते हैं। इनमें एक पॉपी भी है जो खुद को एक इंटरनेट गर्ल समझती है, लेकिन डोरिटोस में एक आंख की अलामत, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक पर मौजूद 666 के शैतानी नंबर्स की अलामत, पॉपी की उंगली पर मौजूद शैतानी अलामत वाली अंगूठी, पॉपी के गानों में मौजूद शैतानी पैगामात, पॉपी की वेबसाइट पर मौजूद धमकी आमेज पैगामात, ये तमाम बातें साबित करते हैं कि पॉपी मासूम नहीं, बल्कि असल में पॉपी शैतानी तालीमात की प्रचार करने वाली लड़की है।